एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और ये भी अगर कोई प्रचारित करते हैं उनका कहना था कि आज न कल देखिए जीतन मांझी एनडीए में चले जाएंगे। अब कहां से कौन स्रोत से उनको पता चला है कि हम चल जाएंगे, इसको हम रिफ्यूट करते हैं कि एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है, हम महागठबंधन में हैं। लेकिन हर बात महागठबंधन का जहां रहेगा तो भाई हम पार्टी लाइन पर एक स्वतंत्र विचार रखने वालों में से हैं, और हम स्वतंत्र विचार के तहत मिनिमम पॉसिबल जो कॉमन प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम आज हैं यहाँ पर। तो हम लालू जी को जो फंसाया गया है वो इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि बिहार से भारत सरकार ने बहुत गंदा काम किया, और आज सृजन घोटाला सहित कई एक लोग हैं, अगर उनको लगाना था तो सृजन घोटाला में भी सीबीआई की जांच करके लोगों को फंसाते तो हम मानते, लेकिन उसी तरह से ममता बनर्जी को भी फंसाने के लिए उसने जो काम किया। लेकिन अब जो एक्शन लिया ममता बनर्जी ने, अभी पुनः कहना चाहते हैं कि हमारा कन्फर्म माइंड है कि प्राय चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को धरना पर नहीं बैठना चाहिए था, यही फर्क है। तो इसमें हम नहीं समझते हैं कि इसमें महागठबंधन को हम डिवीड कर रहे हैं कि महागठबंधन से टूटना चाहते हैं। उनका जो धरना हुआ उस चीज के बारे में व्यक्तिगत बात हमने कही कि भाई अगर हम मुख्यमंत्री होते तो हम धरना पर नहीं बैठते। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उच्च व्यक्ति आज प्राइम मिनिस्टर धरना पर बैठ जाए, आज मुख्यमंत्री धरना पर बैठ जाए, यदि कोई उपाय नहीं तो कोई बात नहीं, उपाय थी, उपाय ये थी फर्स्ट कि पार्टी के अपने सुप्रीमो को वो बैठाते और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते। तो धरना पर बैठने के बाद भी यही हुई कि लोग कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया आप लोगों के सामने है। तो मेरा यही कहना था, सिर्फ कहीं ये नहीं हमने कहा कि ममता बनर्जी जो इशू उठाई है वो बहुत गलत है, हम उनके इशू का समर्थन किया इसलिए कि भारत सरकार जो अभी हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वो सेंट्रल एजेंसियों को बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमने कहा है। और 3 तारीख की बैठक जो गांधी मैदान में हुई उसके बारे में भी हमने कहा था, उस दिन भी कहा था कि ये जग जाहिर है कि भारत सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को मिसयूटिलाइज करके लोगों को फंसा रहा है, विरोधियों को, जिसमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम हमने लिया कि लालू प्रसाद जी एक उदाहरण है कि उनका उनके परिवार पर अननेसेसरी यूटिलाइज कर करके उनको आज सजा दिला रहे हैं और सजा दिलाने के रास्ते में। तो कहने का मतलब सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग बंगाल में नहीं हो रहा होगा, सो बात नहीं है, वो चाहे चिटफंड का मामला हो, शारदा चिटफंड का मामला हो, तो कोई भी हो, सीबीआई का एक्शन है और वहाँ के जो मुद्दाले हैं अभियुक्त हैं उनका एक्शन है। और उस संबंध में हमने कहा कि अगर इस संबंध की बात अगर गड़बड़ है, हाई हैंडेडनेस किया है सीबीआई, तो एक जांच होनी चाहिए, जांच जज के माध्यम से हो या और कोई स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से हो, और जांच के उपरांत जो फलाफल आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को आप लोग बात को लीजिएगा, पहली बात यह है कि हमारी बैठक 7 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में हुई थी नेशनल कांग्रेस वाले, तो इसी उपलक्ष्य में हम इनको आज अपना पत्र दे रहे हैं। कार्यकारी अल्पसंख्यक कोषांग के राज्य अध्यक्ष और हाँ चुन्नू शर्मा जी, और ये हम लोगों के बीच में हमारे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए आज विधिवत हम अपना पार्टी में इनको हम शामिल करते हैं और इनका स्वागत करते हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए बधाई देते हैं, और बाकी 12-13 कोई बात हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए तो साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। ठीक है।